हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में होम स्क्रीन से अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है और वो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपके फ़ोन के होम स्क्रीन से कोई एप्लीकेशन यहाँ से डिलीट नहीं होता है, तो इसके लिए एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की ओर जाना है, फिर यहाँ पे आपको ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है। मैनेज एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको सर्च करना है, या तो फिर आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर इस तरीके से स्लाइड करके भी आप लोग जो है उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। सपोज़ ये जो एप्लीकेशन है ये वाला मेरे फ़ोन में जो है डिलीट नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है। तो आप लोग इस तरीके से नीचे की ओर स्लाइड करिए। हाँ, तो ये एप्लीकेशन है गाइज़, यहाँ पे ये वाला अडोबी, ये मेरे फ़ोन में डिलीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाना है, उस एप्लीकेशन को सर्च करना है, और फिर यहाँ पे आपको नीचे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली अनइंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।